जो है वो है कि फियर ऑफ हर्टिंग पीपल. फियर ऑफ हर्टिंग पीपल मतलब लोगों को अपन दुखी करेंगे, ये डर से लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है और लोग फिर उनको किसको ना नहीं बोल सकते, किसी को ना नहीं बोल सकते. लोगों को डर है कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं, कैसा बोलना, फिर सबको हाँ बोलो या स्ट्रेट बात नहीं कर सकते, स्ट्रेट बात नहीं करेंगे, है ना. और स्ट्रेट बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आता है. अभी हमको कुछ इलेक्ट्रिक का सामान खरीदना था तो मैंने हमारे स्टाफ जो है उनको बोला कि तू ऐसा कर कि ये जो सामान है इसकी लिस्ट है 10 आइटम की, तो तू दो दुकान से जाके उसका कोटेशन लेके आ जा. तो दो दुकान में गया, उसने कोटेशन लाया, तो एक कोटेशन जो था वो 28,000 का था और दूसरे दुकान का कोटेशन था 31,000 का. मतलब भाई दूसरे दुकान में 3,000 से ज्यादा है, मगर वो जो 31,000 वाला था वो मेरा अच्छा पहचान का है. मतलब भाई तू ऐसा कर, तू उसको जा और उसको बोल दे कि तुम्हारा कोटेशन जो है वो 31 का है ना, इसके 28 के बराबर ही है, तुम्हारा महंगा हो रहा ना काम. तो फिर आप ऐसा करो कि हम तो उधर से लेके जाएंगे. नहीं नहीं बोले मैं ऐसा कैसा बोलूं. मतलब कैसा बोलते, मुंह से बोलते ना कि भाई आपका कोटेशन ज्यादा है, वही काम वही सामान हमको 28,000 में मिल रहा है, तो एक तो ये हमको समझाओ कि आप 31 कैसे लगा रहे, 31,000 कैसे लगा रहे, ये समझाओ. और नहीं तो फिर आप भी 31 में दो, पहचान मेरी है उसके साथ में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो 3,000 ज्यादा लेंगे. तो फिर बोले नहीं मगर ऐसा कैसा उसको स्ट्रेट बोलू, उसको क्या लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, मैं ऐसा कैसा बोल सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह. ऐसा करता हूँ ना मैं जाता ही नहीं उसके पास में, 28,000 वाला जो उससे अपन ले लेंगे. बोले मतलब उसको तुमको स्ट्रेट बोलने के लिए क्या हो गया कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा है. तो नहीं, लोग स्ट्रेट बात नहीं करते और उसमें समय चले जाता. स्ट्रेट बात करना, नो बोलना, क्लियर कट बोलना, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, यदि हम करते तो हमारा समय बहुत उसमें बच जाएगा.